नमस्कार, लोको अनिकेस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत एनआरसी सीए तथा एनपीआर बिल के विरोध में जिला मुख्यालय में दिया प्रदर्शन। परसोड़ी के बाजार समिति में बीती रात आग लगने से 16 दुकान हुई जलकर खाक। आदित्यपुर से खड़गपुर तक थर्ड लाइन के कार्य में तेजी लाने को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया डीआरएम बीके साहू ने। और देश भर में कांग्रेस के स्थापना दिवस को कांग्रेसियों ने मनाया। कांग्रेस का स्थापना दिवस जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में कांग्रेसियों ने केक काट कर दिए एक दूसरे को बधाई। और अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर में जिला मुख्यालय पर आज देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान के द्वारा प्रदर्शन के माध्यम से एनआरसी सीसीए और एनपीआर बिल का विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलदेव सिंह ने किया। जानकारी देते बलदेव सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के उद्देश्य से यह बिल लाई है। वहीं इन्होंने कहा कि इस बिल का पूर्ण तरीके से तब तक विरोध किया जाएगा जब तक यह बिल केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है। इन्होंने बताया कि यह देश किसी हिंदुवादी संगठन का नहीं बल्कि गंगा जमुनी तवजीत का देश है। वहीं जब धर्म जाति और संप्रदाय के लोग एकजुट होकर रहते हैं तो ऐसे में यहाँ काला कानून लाकर देश के सरकार के द्वारा इसे हिंदुवादी देश बनाने में जुटी हुई है। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक सामाजिक दलों के नेताओं साथ ही विचारकों ने अपना विचार के रखा। ये लोग बहुत सारी कोशिश कर साथ मिल करके ये आंदोलन को दिल्ली के मसनद से इन लोगों को सत्ता से बेदखल करने तक इस एनआरसी के विरोध में और एनपीआर के विरोध में ये जो कानून बनाया है, काला कानून बनाने जा रही सरकार, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। आज कहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए और इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए। ये संविधान के विरोधी है और जन विरोधी है। ये आंदोलन आगे चलेगा, जब तक ये वापस नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। और हम लोग किसी भी जानकारी को सरकार को देने नहीं जा रहे हैं। अगर वो चाहे तो हम लोग को डिटेंशन सेंटर भेज सकते हैं। इस देश को जिस की बुनियाद टूट जाएगी, ये भाईचारे की बुनियाद पर ही ये देश बनाया गया है, उसी के आधार पर संविधान बनाया गया है। अगर भाईचारा देश का टूट गया, देश की जो एक सेकुलर फैब्रिक है उसको तोड़ दिया गया, संविधान को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया गया, तो ये देश एक नहीं रह सकेगा। जमशेदपुर के परसोड़ी थाना अंतर्गत परसोड़ी बाजार में बीती रात भीषण आग लग गई। जी हाँ, इससे बाजार की लगभग 16 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही नव निर्वाचित विधायक मंगल कालंदी परसोड़ी बाजार पहुंचे, जहां दुकानदारों को हर संभव मदद कराने का आश्वासन दिया। घटना देर रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। इधर आग की सूचना मिलते ही व्यापारियों में अफरा तफरी मच गया, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वैसे आग कैसे लगी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि आशंका जताई जा रही कि किसी शरारती तत्वों के द्वारा इस खतरा को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जुगसलाई के वर्तमान विधायक मंगल कालंदी घटनास्थल पहुंचे और पीड़ितों से मिलकर उन्हें संतावना दी, साथ ही उचित मुआवजा दिए जाने का भरोसा भी दिलाया। 2 बजे रात में तो हम देखे कि दुकान जल के राख है, लगभग 16 दुकान का तो 1.5 लाख से ऊपर नुकसान हुआ है। अगर 3 लाख लेके चलिए सब दुकानदार कर लेते तो हमको मालूम नहीं, बिगड़ फिर भी लगाया गया है आग। इसको तो बराबर लगते रहता रहा है, दुकान पहले भी लगा हुआ है। देखिए, हमें तो अभी सूचना मिली है। सूचना मिलते ही हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग कैसे आग लगी है इसका जांच तो प्रशासन करेंगे अपने स्तर से। हम लोग प्रशासन को भी इस पर हम लोग दबाव बनाएंगे कि यहाँ किस तरह से आग लगा और कितने गरीब लोगों का जो क्षति हुआ, उसके लिए हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। उसी तर्ज पर हम लोग भी यहाँ बात को रखेंगे, इस विभागीय अधिकारियों से हम लोग बात करेंगे। इस परसोड़ी में भी टीना सेट बने और यहाँ दुकानदार लोगों को सहूलियत मिले।
और धर्म आपको बता दें सीकेपी डिवीजन के डीआरएम बीके साहू ने टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही इन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन में बनाए गए प्रीपेड लॉज में यात्रियों को किस प्रकार से सुविधा दी जा रही है इसकी भी जानकारी हासिल की। डीआरएम बीके साहू ने वर्तमान समय में टाटानगर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म में यात्रियों की सुविधा के लिए क्या कुछ इस्तेमाल किए जाने के साथ ही रेल प्रबंधक के द्वारा दिया गया है इसकी जानकारी भी अधिकारियों से ली है। इन्होंने वातानुकूलित वेटिंग रूम में यात्रियों को क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है इसे लेकर वे स्वयं यात्रियों से मुखातिब हुए। डीआरएम बीके साहू ने कहा कि टाटानगर रेलवे स्टेशन को वे इस तरह से बनाना चाहते हैं कि ईस्टर्न रीजन में इसकी अपनी एक अलग पहचान हो। इन्होंने बताया कि थोड़ी बहुत ट्रैफिक की व्यवस्था है। आदित्यपुर से खड़गपुर तक थर्ड लाइन का कार्य प्रगति पर है। एस एच तो सारी चीज़ नॉर्मल काम कर रही है। मेरा काम है कि लंबे समय में जमशेदपुर इतना बड़ा शहर है, इसका स्टेशन का नाम टाटा नगर रखा गया है, इसको कैसे हम इस रूप में लाएं कि ये ईस्टर्न रीजन की पहचान बन जाए। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है, हमारा कुछ लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट भी है जिसको हम लोग आदित्यपुर रादर गमरिया से थर्ड लाइन ऑलरेडी आदितपुर तक है, हम वहाँ पे बाईपास वगैरह गमरिया से ला के आदितपुर से खड़गपुर के लिए थर्ड लाइन साउथ ईस्टर्न रेलवे की बन रही है। मेरा डिवीज़न आसनवानी तक है तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटी क्रिएट करना है। तो मैं एक लॉन्ग विजन के हिसाब से अभी सारा इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ का चूँकि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैं ये चाहता हूँ कि एक नॉन बोर्डिंग एरिया और बोर्डिंग एरिया का यहाँ पे प्लानिंग करूं। आज कांग्रेस का 135वां स्थापना दिवस है। वहीं देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता स्थापना दिवस मनाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। इधर जमशेदपुर के बिस्टोपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में भी कांग्रेसियों ने केक काट कर स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेसियों ने नए साल में नए उत्साह के साथ काम करने राज्य सरकार के साथ मिलकर कांग्रेस के जनाधार को राज्य में बढ़ाने का संकल्प लिया। इन्होंने बताया कि लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा है और झारखंड बनने के बाद पहली बार कांग्रेस को राज्य में इतनी सीटें आई है। चाहे हेमंत सोरेन के साथ मिलकर कांग्रेस राज्य की जन आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने का काम करेगी। खिलाइए। भारत माता की 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी और उस समय से निरंतर कांग्रेस पार्टी देश की सेवा में, देश की मान सम्मान बढ़ाने में अपना अहम भूमिका अदा करती रहेगी और करते रहेगी। आज हम लोग कांग्रेस के स्थापना दिवस की 135वीं वर्षगांठ अपने कांग्रेस कार्यालय में मना रहे हैं। इस अवसर पे सभी उपस्थित कांग्रेस भाइयों को, कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों को हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। प्रेस के बंधुओं को भी हम लोग बधाई और शुभकामना देते हैं कि कांग्रेस पार्टी निरंतर इसी तरह से देश सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, मैं आज इस अवसर पर ही कहूंगा कि मैं कांग्रेसी हूं। जमशेदपुर मारवाड़ी समाज के द्वारा पूर्व मंत्री दुलाल भुइया का पुतला दहन किया गया। इनका आरोप है कि दुलाल भुइया ने एक जनसभा में मारवाड़ी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी जिससे पूरा समाज आहत है। गौरतलब है कि शुक्रवार को मानगो की गांधी मैदान में एनआरसी के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया था जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। उक्त कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बतौर अतिथि मंच से शामिल हुए थे और अपने भाषण के दौरान ही उन्होंने मारवाड़ी समाज पर टिप्पणी की और इसी टिप्पणी का विरोध मारवाड़ी समाज कर रही है। शनिवार को मारवाड़ी समाज के द्वारा पूर्व मंत्री का
पुतला दहन मानगो गोल चक्कर पर किया गया था। साथ ही इन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री को समाज के बीच आकर इस बात के लिए माफी मांगनी होगी। पूर्व मंत्री दुलाल भुया जी का जो है हम लोगों ने पुतला दहन किया है। कल जो गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ था उसमें दुलाल भुया जी ने कहा था कि ये मारवाड़ी समाज जो है कभी जेल नहीं जाता है, पुलिस प्रशासन सरकार को जेल भेजने का काम नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं दुलाल भुया ने जो है पूरे मारवाड़ी समाज को बदनाम करने का काम किया है। इसी को लेकर आज हम लोग मारवाड़ी समाज में आक्रोश है और हम लोग आज डीसी साहब से मिले थे, उनको ज्ञापन दिए हैं और आज हम लोग शाम को यहाँ मांगो को चक्कर में उनका पुतला दहन कर रहे हैं। और हम लोग दुलाल भुया से ये मांग करते हैं कि जिस तरह आपने 10,000 आदमियों के बीच में मारवाड़ी समाज को बदनाम करने का काम किया है, उसी तरह अगर आपको लगता है कि आपने गलती किया है तो क्षमा भी मांगने के लिए आपको मारवाड़ी समाज के बीच में आना होगा। केवल फेसबुक पे एक पत्र डाल देने से मारवाड़ी समाज का ये गुस्सा शांत नहीं होगा। अगर आपको अपना गलती का इजहार हो रहा है तो आपको मारवाड़ी समाज में आना होगा और आके अपना माफी मांगना होगा। एनआरसी एनआरपी और सीसीए बिल का देश भर में विरोध जारी है, जहां जमशेदपुर में इसको लेकर विरोध और समर्थन का दौर जारी है। बीते दो दिनों से जहां संविधान बचाओ संघर्ष समिति और मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर फ्रंट सभा के माध्यम से बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं हिंदुवादी संगठन महाआरती और हनुमान चालीसा पाठ कर बिल का समर्थन किया। इधर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बिल का विरोध जताते हुए एक विशाल रैली निकाली, जो जिला मुख्यालय पहुंच कर प्रदर्शन में तब्दील हो गए। इस दौरान इन्होंने कहा कि इन दिनों ही बिल और सीसीए एक्ट को जन विरोधी और देश की एकता को खंडित करने का बताया है। इन्होंने कहा कि ये दोनों ही कानून जन विरोधी है और इससे देश की एकता खत्म हो रही है। देश में रहने वाले सभी जाति के लोग को अपने धर्म में रहने की आजादी संविधान देती है और जबरन संविधान में परिवर्तन किया जा रहा है। साथ ही इन्होंने नई शिक्षा पद्धति का विरोध जताया है। इन्होंने कहा कि नए पद्धति में स्कूली शिक्षा में सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जा रहा है, साथ ही छोटे कक्षा के शिक्षा को आंगनबाड़ी के हवाले किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से इन कानूनों को वापस ले जाने की मांग की है। हमारा विरोध है NRCCA, जो संविधान विरोधी है, जो संविधान की एकता को तोड़ता है, संप्रदाय को, धर्म को बांटने का काम करता है, लोगों को बांटने का काम करता है। इसके हम लोग पूरा विरोध करते हैं। आप जानते हैं कि संविधान की धारा 13-14 कहती है कि किसी भी व्यक्ति जो देश के हैं उनमें धर्म संप्रदाय लिंग के आधार पर आप समान व्यवहार करेंगे, किसी के साथ कानून अलग नहीं बनेगा। लेकिन ये सीए ये भेदभाव करता है, लोगों को बांटने का काम करता है। जैसे छात्रों पर बर्बरता की जा रही है, जो इंस्टीट्यूट पर, जो यूनिवर्सिटीज पर, कॉलेजों पे जो है पुलिस घुस करके हमला कर रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और किसी भी तरीके से हम लोग नहीं सहेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 जो शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, साम्प्रदायिकरण का पूरा ड्राफ्ट है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही भाजपा नेता अपनी ही सरकार के कार्यकाल में पारित किए गए योजनाओं के खिलाफ गोलबंद होते नजर आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेत्री राजपति देवी बिरसा नगर जोन नंबर 7 में बन रहे पोलिया के विरोध में आज स्थानीय लोगों के साथ जिला मुख्यालय पहुंची, जहां भाजपा नेत्री ने बने पुलिया का विरोध जताया। जानकारी देते हुए भाजपा नेत्री ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा पुराने पुलिया को तोड़कर नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, जबकि क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए आने जाने का एकमात्र साधन वही पुलिया है। इन्होंने बताया कि पूर्व में ठेकेदार के द्वारा नए पुल का निर्माण कराए जाने की बातें कही गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही ठेकेदार स्थानीय लोगों को मिलाकर पुराने पुल को तोड़कर पुलिया निर्माण में जुट गए हैं। राजपति देवी ने बताया कि जिले के उपायुक्त से पूरे मामले की जांच करवाकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग संबंधित ज्ञापन सौंप दिया गया है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुराना जो पुल है अभी 50 साल तक तो बहुत चलेगा, बहुत मजबूत है, टिकाव है, आवश्यकता नहीं है उसको तोड़ने की। रास्ता रहने से बहुत दिक्कत नहीं होता, बंद हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम भी हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इंसान हो जाएगा, रास्ता है ही नहीं हमारी साइड में, जो रास्ता मेन रास्ता वहीं पे है।
कुलसनगर 7 नंबर जून में एक ही पुलिया है काली मंदिर के पास, जो पुलिया हम लोगों को धोखे से पास करवाया गया। जब पास हुआ तो बताया गया कि नया पुलिया निर्माण होगा, लेकिन अब उनको ठेकेदार ने बोल रहा है कि नहीं पुलिया तोड़ के हम लोग बनाएंगे। लेकिन हम लोग का बस्तीवासी का कहना है कि पुल तोड़ा जाएगा तो बस्तीवासी आना जाना कैसे करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे स्कूल जाएंगे आएंगे, जो गरीब से गरीब आदमी वहाँ पर है बिरसा नगर 7 नंबर जिले में, उनके पास इतने पैसा नहीं है कि वो टेम्पू से दूसरे रास्ते से आना जाना करेंगे या बच्चा जाएंगे। लेकिन कोई इमरजेंसी केस भी हो जाएगा तो वो आने जाने के रास्ता नहीं है, और ये पुलिया इतना मजबूत है फिर भी इसको ठेकेदार ने साजिश रच के बोलता है हम तोड़ेंगे और तोड़ के बनाएंगे। लेकिन हम लोग का कहना है पूरे बस्तीवासी को कि नहीं पुल नहीं टूटेगा, बगल में पुल बनाने का जगह है, उस पुल बनाइए उसमें और तब इस पुल पर हाथ लगाइए। जमशेदपुर के मानगो वसुंधरा स्टेट में 7 दिवसीय भागवत कथा ज्ञान सप्ताह महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगातार भागवत गीता का प्रचार आचार्य के द्वारा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में गीता वाणी सुनने के लिए रोजाना या श्रद्धालु की भीड़ इकट्ठा हो रही है। क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि आए इसी उद्देश्य से हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। 25 दिसंबर से शुरू हुआ ये आयोजन लगातार 31 दिसंबर तक चलेगा। रोजाना 3 खंडों तक आचार्य के द्वारा यह भागवत गीता का प्रसार किया जाता है, साथ ही गीता के सार और मानव जीवन पर उसके प्रभाव का भी व्याख्यान यहाँ किया जा रहा है। कभी कभी आप पूछ लिया करो मैं कौन हूँ, भगवान ने मुझे भेजा क्यों है, केवल प्रेरणा हमने दी है तो ठाकुर जी की कोई ना कोई तो कृपा होगी, हमने दी है तो ठाकुर जी कालों के काल महाकाल है, काल भी जिसके वश में रहता है वो महाकाल है और संसार है। ये हमारे जीवन में जन्म ले लेता है, जन्म दे ही ब्रह्मा में ऐसा तत्व ज्ञान देने जा रहा हूं और उसी तत्व का नाम है भावनिया छोड़ दी पर भगवान कृष्ण के प्रेम में बसीभूत हो। कथा आती है कि भगवान सुखदेव जब जंगल में गए, भागवत के श्लोकों के द्वारा वो पाना वापस आए। जमशेदपुर के करंडी से दिशोम जाहिर थान में 16वां संतावली दिवस भाषा समारोह के अवसर संथाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में केवल राज्य ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी कई डेलीगेट्स ने शिरकत की। सम्मेलन का आयोजन ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन व पंडित रघुनाथ मुर्मू एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। 16 वर्ष पूर्व संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तब से लेकर 22 दिसंबर को विभिन्न ओल्ड चिकी लिपि अध्ययन केंद्रों से प्रभात फेरी निकाली जाती है, साथ ही प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाता है। आयोजकर्ता ने बताया कि साहित्य सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी संथाली साहित्य की विधाओं को जान सके और साथ ही इस सम्मेलन में मुख्य रूप से छात्र शिक्षकों और डेलीगेट्सों ने संथाली साहित्य में अपनी रुचि दिखाते हुए जानकारियों को एक दूसरे के साथ साझा की। हम लोग संताली पर्सी महा और संताली लिटरेरी मीट का आयोजन कर रहे हैं, जो भारत जगत संताली ओनोली गांवता ऑल इंडिया राइटर्स एसोसिएशन और पंडित रघुनाथ मुर्मू एकेडमी की ओर से आयोजन की गई है। इस उद्देश्य इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि लिटरेरी भाषा को भाषा दिवस को एंजॉय करते हुए साहित्य के विकास में हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे क्या क्या जाना चाहिए उस विषय पर चर्चा हो। और अब चले इस पहले नजर डालते अब तक के सुर्खियों पर। देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत एनआरसी सीएए तथा एनपीआर बिल के विरोध में जिला मुख्यालय में दिया प्रदर्शन।
परसोडे की बाजार समिति में बीती रात आग लगने से 16 दुकान हुई जलकर खाक। आदित्यपुर से खड़गपुर तक थर्ड लाइन के कार्य में तेजी लाने को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया डीआरएम बीके साहू ने। और देश भर में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेसियों ने मनाया कांग्रेस का स्थापना दिवस। जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में कांग्रेसियों ने केक काट कर दिए एक दूसरे को बधाई। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।